और सीधे चलेंगे गांधीनगर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट और एक्सपो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन सुनेंगे। आपका बहुत वंदन अभिनंदन मेरे अभिन्न मित्र और छत्तीसगढ़ के सुयोग्य मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, गोवा के सुयोग्य मुख्यमंत्री श्रीमान प्रमोद सावंत जी, तेलंगाना के मंत्री जी माननीय नायक जी, मंत्री भारत सरकार और इस अवसर पर आप सब आमंत्रित अतिथिगण, निवेशकगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मैं माननीय संतोष जी से कह रहा था, प्रहलाद जी से, नवकरणीय ऊर्जा का एक शरीर अगर बन बनाए तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, जैसे मध्य का ऐसे आखिरी में जो स्थान होता है मध्य प्रदेश का भी वही स्थान है आपका, धन्यवाद। कुल मिलाकर के हमारे अपने इस रचनाओं में जो नवकरणीय ऊर्जा काम कर रही है, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है, खासकर 2030 तक 500 गीगावाट का मध्यप्रदेश पूर्ण क्षमता के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2012 तक मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 500 मेगावाट से भी कम थी, लेकिन हमने अलग से विभाग का गठन कर विभिन्न नीतियों से और अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन से 12 साल में 14 गुना 7000 मेगावाट तक मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा का आज स्थान बना है। रीवा सौर परियोजना के अंतर्गत बड़े बड़े जो सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए हैं, इसने तो पहली बार देश में कोयला उत्पादित ऊर्जा से भी सस्ती सौर ऊर्जा उपस्थित की है, जिसके कारण से दिल्ली की मेट्रो को भी हमारे यहां से सौर ऊर्जा दी जा रही है। यही कारण है कि ऐसे कई यूनिवर्सिटियां, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसे केस स्टडी के नाते से पढ़ाया जा रहा है। आगर साजापुर नीमच सौर परियोजना में नीमच सौर परियोजना में बिजली का टैरिफ तो 2.14 रुपए प्रति यूनिट है, जो देश का न्यूनतम है। इसी परियोजना से प्रदेश में भारतीय रेल को भी हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। आगर साजापुर नीमच में 1500 मेगावाट का सोलर परियोजना निर्माणाधीन है। मध्यप्रदेश असंभव को भी संभव करने में अपनी विशेष भूमिका रखता है। यही कारण है कि मां नर्मदा सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर में हम 600 मेगावाट की क्षमता का सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी छोटी सोलर परियोजना विकसित कर रहे हैं। इसके साथ 200 मेगावाट का सोलर पैनल भी हम यहां आ चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस प्रकार से पानी के वाष्पीकरण से हानि होती है उससे बचाने के लिए एक बड़ी हमारी ये भूमिका रहने वाली है। कई कारणों से अलग अलग प्रकार से हमने अपने सभी प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा का प्रोत्साहन देने में अपनी गति बढ़ाई है। मिशन मोड में 2025 तक सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का हमने निर्णय किया है। हमारी सरकार पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण की योजना पर भी काम कर रही है। आगर धार अशोकनगर भिंड सागर जिलों में 15,000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है, जहां 7,500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उज्जैन आगर धार मंदसौर रतलाम में 3,000 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का हमने लक्ष्य रखा है। हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में 464.65 करोड़ की लागत से 227.54 एकड़ अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित कर रहे हैं। मध्यप्रदेश इस जोन में भूमि विद्युत जल दरों पर आकर्षक प्रोत्साहन दे रहा है, जिसमें भूमि प्रव्याजी 1 रूपये टोकन पर भूमि का आवंटन हम करेंगे। लीजरेंट भी वार्षिक दर 1 रूपये प्रति वर्ग मीटर देने वाले हैं। विद्युत टैरिफ 4.36 रूपये प्रति यूनिट में 5 वर्षों तक का, इसके अलावा प्रदेश की भी और कई सारी रियायत हम देने वाले हैं। मैं आश्वस्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्त करने में मध्यप्रदेश एक अपनी बड़ी भूमिका अदा करेगा, और मैं समझ सकता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हम सब ने मिलकर जो अपना नया लक्ष्य लिया, हम अपने अपने लक्ष्य करेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।